तो मूवी की शुरुआत होती है ग्रीस में, जहाँ एक जर्नलिस्ट ग्रेटा से मिलने एक अनजान आदमी रॉडेक पहुंचा। तब उसने ग्रेटा को यूएस एजेंसी और सीआईए के खिलाफ कुछ स्कैंडल दिखाए, जिन्हें देखकर ग्रेटा काफी खुश हुई, क्योंकि वो एक ऐसी जर्नलिस्ट थी जो सरकार की बेकार नीतियों पर सवाल उठाती रहती। इसलिए तब रॉडेक ने ग्रेटा को उन स्कैंडल्स की फोटो क्लिक करने दी, ताकि वो उन स्कैंडल्स को अपने न्यूज़पेपर में छाप सके। लेकिन तभी इसी बीच उसने बड़ी तेजी में रंग बदलते हुए ग्रेटा को ही शूट कर दिया, और ऐसा उसने क्यों किया वो हमें आगे पता चलेगा। बाकी इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं द ब्रिक लेयर। तो दोस्तों अब लाइक कमेंट मार के नाउ बैक टू स्टोरी। जहां इस इंसिडेंट की खबर मीडिया में फैली तो सब लोग धरना प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि सबको लगा कि शायद यूएस एजेंसी अपने खिलाफ बोल रहे जर्नलिस्ट को अपने सीआईए एजेंट्स के थ्रू ऐसे ही मरवा रही है। जिस बात पर फॉरेन मिनिस्टर ने भी सीआईए की निंदा करी। तभी सीन सीआईए हेडक्वार्टर में आया, जहाँ केट नाम की एजेंट ग्रेटा के अपार्टमेंट के पास की सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, जिसे बीच उसे या रॉडेक भी दिख गया, तो वो काफी शॉक्ड हुई। इसलिए तब वो अपने बॉस ओमाली के पास पहुंची, जहाँ से हमें पता चला कि रॉडेक एक सीआईए एजेंट है जो कि 18 महीने पहले ही मारा गया था, लेकिन इन्हें उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली, जिसका मतलब कि वो अभी भी जिंदा है। इसलिए तो अब इन्हें उसे मरवाना होगा, जिसके लिए सीन या एक रिटायर्ड सीआईए एजेंट स्टीव पर आया, जो कि अपनी बेलदारी करके खाने पीने एक कैफे में आया। लेकिन तभी यहाँ केट और ओमाली पहले से बैठे थे, जिन्होंने स्टीव को उसका लास्ट मिशन याद दिलाया। असल में उसका लास्ट मिशन रॉडेक को मारना ही था, जो पूरा करके उसने सीआईए छोड़ दी। लेकिन अब जब रॉडेक जिंदा है, तो यानी उसने उस मिशन के लिए सीआईए से झूठ कहा। साथ ही अब रॉडेक, जो कि ग्रेटा जैसी जर्नलिस्ट को मार के सीआईए की इज्जत को मिट्टी में डुबा रहा है, तो इसलिए स्टीव को अपना लास्ट मिशन पूरा करना ही होगा, जिसके लिए पहले तो वो नहीं माना, क्योंकि वो अपनी जिंदगी आराम से जीना चाहता था। इसलिए वो घर आकर रॉडेक के साथ अपनी फैमिली के दिन याद करने लगा, जिस बीच यहाँ उस पर कुछ असैसिन्स ने हमला किया, तो स्टीव ने उन सबको इनकी औकात दिखा दी। लेकिन इनकी औकात दिखाकर वो समझ गया कि उसे सीआईए का मिशन करना ही होगा, इसलिए वो अगले दिन केट के साथ ग्रीस के लिए निकल गया, जहाँ इन्हें रॉडेक को मारना था। इसलिए अभी अपना भेष बदल कर ग्रीस में पहुंचे, जहाँ स्टीव केट को रूम में छोड़कर एक बड़ी पार्टी में पहुंचा, जिसमें कि उसकी फॉर्मर सीआईए कलीग लॉरा भी प्रेजेंट थी। इसलिए तब उसने लॉरा से रॉडेक का पता पूछा, जिस पर लॉरा बोली कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन हो सकता है कि स्टैन जानता हो, जो कि अब एक क्लब ओनर था। तब स्टीव यहां से स्टैन के पास आया, जहां उसने स्टैन से रॉडेक के बारे में पूछताछ करी। तब ये सुनने के बाद स्टैन काफी भाव खाकर उसे इग्नोर करने लगा, जो देखकर स्टीव ने पहले तो उसे एक घूसा खिलाया और फिर दंगा फसाद करके यहां से निकल गया, जहाँ उसकी मदद करने केट भी पहुंची। तब वो स्टीव पर चिल्लाने लगी कि तुम मेरे बिना पार्टी कैसे कर सकते हो, जिस पर वो बोला कि चुप रहे यार, मैंने तुम्हारी लड़ाई के बीच स्टैंड पर एक ट्रैकर लगाया है, जो सुनकर केट थोड़ा शांत हुई, जिसके बाद उसने फिर से पूछा कि आखिर तुम रॉडेक को कैसे जानते हो, जिस पर उसने बताया कि वो भी एक अंडरकवर सीआईए एजेंट ही था, जिसने सीआईए के लिए रशियंस के साथ काम करके उनके ही कुछ आदमियों को मार दिया था, जिस पर सीआईए ने उसे प्रॉमिस भी किया था कि हम तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्शन देंगे,
लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे रशियन को रोडेक की फैमिली की इंफॉर्मेशन मिलते ही उन्होंने उसकी फैमिली को मार दिया। जो देखकर जब रोडेक ने एक एक करके रशियन गैंगस्टर को मारना शुरू किया तो सीआईए को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने स्टीव को रोडेक का खेला करने का मिशन दिया ताकि सीआईए और रशियंस के बीच टेंशन ना बढ़े। अब ये लोग बातों बातों में स्टैन को ट्रैक करके उसके घर पर पहुंचे जहां इन्होंने रोडेक के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढनी स्टार्ट करी। जहां स्टीव को एक हिडन लॉक मिल गया तब इन्हें इससे पता चला कि अब रोडेक का अगला टारगेट एक आरएन नाम का जर्नलिस्ट है। तभी इंफॉर्मेशन लेकर ये यहां से जाते कि इस बीच यहां स्टैन का बॉडीगार्ड आ गया, जिससे स्टीव की धुपड़धू लड़ाई होने लगी तो वो उस बॉडीगार्ड की बॉडी को अनगार्ड करके यहां से निकल गया। दूसरी तरफ ग्रीस के सीआईए स्टेशन में रोडेक की एक वीडियो रिसीव हुई जिसमें उसने सीआईए से 100 मिलियन डॉलर की डिमांड करी, वरना वो सीआईए के सारे काले छिट्टे आउट कर देगा। यहां अगले दिन स्टीव के एक दोस्त पैट ने रोडेक के अगले टारगेट आरएन पर नजर बना रखी थी ताकि ये रोडेक को पकड़ सके। जिस बीच स्टीव को एक अननोन कॉल आई तो पता चला कि असल में ये रोडेक ही है। तब स्टीव उसे सुनाने लगा कि जब मेरी तुम्हारी डील हुई थी कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा और फिर तुम वापस कभी यहाँ नहीं आओगे, तो अब तुम वापस आकर ये सब क्यों कर रहे हो। जिस पर उसने बताया कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रशियंस को मेरी फैमिली का पता सीआईए ने ही दिया था, क्योंकि मैंने सीआईए का लास्ट मिशन जिसमें मुझे एक बेगुना फॉरेन मिनिस्टर को मारना था तो वो मिशन मैंने नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने रशियंस के थ्रू मेरी फैमिली को मरवा दिया। जो सुनकर स्टीव सीआईए का सारा गेम समझ गया, लेकिन इसी बीच रोडेक उस जर्नलिस्ट आरएन को बड़े कैजुअल तरीके से खर्च करके यहां से चला गया, जो देखकर स्टीव समझ गया कि जरूर सीआईए में कोई गद्दार है जो रोडेक को हमारी सारी इंफॉर्मेशन भेज देता है, वरना उसको कैसे पता चलता कि हम उसे ढूंढते हुए या ओपन कैफे में भी आ गए हैं। खैर, तो फिर से इस मर्डर की खबर मीडिया में आई जहां फिर से फॉरेन मिनिस्टर सीआईए की निंदा करने लगा, जो सुनकर स्टीव अपनी फॉर्मर कलीग लॉरा के पास आया, जिससे उसने रोडेक की बात कंफर्म करी कि हाँ, सीआईए ने ही रशियंस को उसकी फैमिली की इंफॉर्मेशन दी थी क्योंकि उसने अपना लास्ट मिशन पूरा नहीं किया, जो कि सीआईए की नजर में एक धोखा होता है। यहाँ केट, जो कि ओपन कैफे की सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, तो उसने स्टीव को रोडेक से बात करते हुए देख लिया, जो देखकर उसे लगा कि शायद वो रोडेक से मिला हुआ है, तो इसलिए उसने स्टीव पर गन पॉइंट कर दी, जो देखकर वो बोला कि औतात में बीकेएल, औतात में। और वैसे भी मेरी सिर्फ उससे बात हुई थी, ना कि मैं उससे कोई मिला हुआ हूँ, लेकिन हाँ, जरूर सीआईए का कोई आदमी रोडेक से मिला है क्योंकि उसको अपने आप सीआईए की सारी इंफॉर्मेशन और सीक्रेट्स भी मिल जाते हैं। तभी ये दोनों अपने कैफे वाले दोस्त पैट के घर पर पहुंचे तो वहां किसी ने पैट को डेड कर दिया था, जिस बीच यहाँ स्टैन और रोडेक के भेजे हुए भाड़े के टट्टू भी आए जिन्होंने स्टीव और केट पर हमला किया, तो स्टीव ने भी अपने हीरो होने की भूमिका निभाते हुए स्टैन और उसके आदमियों को मार दिया, जिसके बाद उसने फैसला किया कि अब वो रोडेक को मार देगा क्योंकि रोडेक को भी उसकी जान की कोई परवाह नहीं थी। जैसे बीच केट को सीआईए से एक मैसेज मिला तो ये लोग अपने स्टेशन पर पहुंचे जहां सीआईए अब रोडेक को वो 100 मिलियन डॉलर देने वाले थे ताकि वो उनके सीक्रेट्स को रिवील ना करे, जिसकी डिलीवरी के लिए इन्होंने केट को चूज किया क्योंकि वो पैसे बिटकॉइन में कन्वर्ट होकर एक पेनड्राइव के थ्रू ट्रांसफर होने थे।
इसलिए तब जब केट इस काम को करने जाने लगी तो बीच रास्ते में उसे स्टीव ने पकड़ लिया, जहां उसने केट का ट्रैकर और माइक्रोफोन तोड़कर उसे यहां से भेज दिया कि ये काम अब मैं करूंगा। जिसके बाद जैसे ही वो रॉडिक की बताई जगह पहुंचा तो वहां उसे एक लैपटॉप दिखा जिससे उस पेनड्राइव के सारे बिटकॉइन ट्रांसफर होने थे। तब स्टीव के पेनड्राइव लगाते ही वो क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर होने लगी, जो देखकर रॉडिक उससे बोला कि स्टीव मेरे भाई, आज मैं अपना आखिरी यानी उस फॉरेन मिनिस्टर को भी मारने वाला मिशन कर दूंगा जो CIA के अगेंस्ट निंदा करता रहता है, जिसका मतलब उसका सीधा शक CIA पर जाएगा, जिससे कि CIA और US एजेंसी के लग जाएंगे। तब ये सुनकर स्टीव समझ गया कि रॉडिक पैसे लेकर भी CIA को नहीं छोड़ने वाला। जैसे बीच उसने ध्यान किया कि इस लैपटॉप के नीचे एक बॉम्ब रखा हुआ है, जो देखकर वो जैसे ही भागा तो तभी यहाँ एक ब्लास्ट हो गया जिससे जैसे तैसे स्टीव बच निकला। तब उसने रॉडिक की गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन रॉडिक अपनी गाड़ी में टक्कर खाने के बाद भी यहाँ से बच निकला। तभी थोड़ी देर बाद फॉरेन मिनिस्टर यहाँ भाषणबाजी करने लगा, जिस बीच स्टीव ने देखा कि रॉडिक कैमरा के पीछे छुपकर मिनिस्टर के तोते उड़ाने वाला है। इसलिए तब स्टीव ने इस मीडिया स्टैंड को तोड़कर रॉडिक को नीचे गिराया और फिर उसका हाथ यहीं तोड़ दिया, जिससे कि रॉडिक की यहीं आलू पूड़ी बट गई। और वैसे दोस्तों, इन दोनों का रिलेशन ये था कि असल में रॉडिक की वाइफ स्टीव की सिस्टर थी, तो इनका अपना फैमिली कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो अब ये देखकर स्टीव थोड़ा सैड हुआ। जैसे बीच पुलिस को कुछ नहीं पता था तो उन्होंने सीधे स्टीव पर ही फायरिंग कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोग शांति भंग कर रहे हैं। तो क्या लगता है दोस्तों, स्टीव मारा गया? अरे नहीं नहीं, स्टीव को तो यहाँ हॉस्पिटल में बचा लिया गया, जहाँ CIA सीनियर ओमाली ने बताया कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने रॉडिक के सारे सबूत फ्रीज कर लिए हैं। लेकिन बात वही है कि उसके पास प्रूफ आए कैसे, जो सोचकर स्टीव यहाँ से अपनी फॉर्मर कलीग लॉरा के पास आया, जहाँ लॉरा से सवाल जवाब करके वो समझ गया कि असल में उन 100 मिलियन डॉलर के बदले में ही CIA की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उसे लॉरा ने दी थी। तब लॉरा भी समझ गई कि स्टीव को उसके बारे में सब पता चल गया है, तो इसलिए उसने तभी के तभी स्टीव को गन पॉइंट पर लेकर यहाँ अपने किलर्स को बुला लिया। लेकिन स्टीव निकला इनका फूफा, जो एक बॉम्ब ब्लास्ट करके यहाँ से कूद गया, जिस वजह से वो सीधा लॉरा की कार के सामने आया। तो उसे देखते ही लॉरा स्टीव के लॉरा लगाती कि इतने में उस पर केट ने फायरिंग करी, जिससे कि उसके खुद के लॉरा लग गए, जिसकी वजह से CIA के 100 मिलियन डॉलर भी बच गए। तो वो केट से काफी खुश हुए, जिसके लिए उन्होंने उसका प्रमोशन भी किया। लेकिन अब केट ये जॉब छोड़कर यहाँ से चली गई, जहाँ दूसरी तरफ स्टीव मेरी तरह वापस अपनी दिहाड़ी मजदूरी में ही लग गया। तो दोस्तों, अब ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे भाई, करते ही नहीं हो कर दिया करो। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।